पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्र सकृतिं वसानं वरेण्यं जटाजुटमध्ये स्फुराद् गाङ्गवारिं महादेवमेकस्मरामि स्मरारिं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्यवाणी न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंडित चंद्रशेखर शर्मा। इस सप्ताह कैसा होगा आपका सप्ताह, किसे मिलेगा प्यार और किसका चलेगा व्यापार, कैरियर में किसे मिलेगी उड़ान, मकर कुंभ और मीन राशि वाले बुजुर्ग कैसे रखें सेहत का ख्याल, क्या हो सकती है परेशानी, जानिए मेरे साथ देखकर भविष्यवाणी। सबसे पहले मेष राशि वाले, मेष राशि वाले जातक कार्य क्षेत्र पर काम का अधिक दबाव महसूस कर सकते हैं। खराब स्वास्थ्य के चलते स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की कोशिश करेंगे। खर्चों पर अंकुश लगाने में थोड़ी समस्या महसूस कर सकते हैं। रोजमर्रा के तनाव कम करने में प्रेम एंटीडोट का काम करेगा। अपने साथी के साथ समय बिताकर अच्छा महसूस होगा। कहीं ड्राइविंग पर जाना मजेदार साबित होगा। यात्रा के दौरान लंबे समय बाद लोगों से मिलना भी हो सकता है। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, दूध में हल्दी मिलाकर रात्रि सोने से पहले सेवन करें। वृषभ राशि वाले, वृषभ राशि के जातकों को आपका अपना काम करने का एक तरीका है और कार्य क्षेत्र पर आपके प्रदर्शन से यह बात साबित भी हो सकती है, साबित हो जाएगी कि आप अपने ईमानदार स्वभाव के चलते आसपास के लोगों का विश्वास जीतने में सफल होंगे। जीवन साथी के साथ उत्कृष्ट टीम वर्क घरेलू मोर्चे पर चीजों को सुचारू रूप से चलाने में मददगार साबित होगा। शर्मीले स्वभाव के लोग अपने प्यार का इजहार करने के लिए साहस जुटा सकते। सेहत को लेकर यह हफ्ता संतोषजनक रहेगा। आपके लिए उपाय है, बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले, ऐसे लोग जिनके पास इस सप्ताह अच्छा समय है, क्रिएटिविटी के रूप में इस समय का उपयोग कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर चीजों को कुशल तरीके से निपटाने की कोशिश करेंगे। इस सप्ताह आप अधिकार जताने की स्थिति में रहेंगे, जिसका आप बहुत अच्छी तरीके से उपयोग भी कर पाएंगे। घर पर बदलाव करने के जीवन साथी के विचारों को पूरा समर्थन देंगे और व्यस्तता के चलते प्रेम संबंधों को समय देना थोड़ा मुश्किल होगा। आपके लिए उपाय है, दूध में सोने का चम्मच या सोने की सलाई डालकर उसका सेवन करें। कर्क राशि, कर्क राशि के जातक कार्य क्षेत्र पर किसी काम को पूरा कर उसमें होने वाली देरी को छिपाने में सफल होंगे। किसी दबंग व्यक्ति को उसकी जगह रखने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आपको ये काम बहुत चतुराई से करना होगा। जीवन साथी के साथ मूड के कारण चीजें खराब होने की संभावना है, जिसके चलते आपको अपनी योजनाओं से समझौता करना पड़ सकता है। पाचन तंत्र से संबंधित समस्या हो सकती है, अतः खान पान पर विशेष ध्यान दें। धन संबंधित समस्याओं पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। आपके लिए उपाय है, आप अपने गुरुजनों की सेवा करें, उनकी बातों को महत्व दें। सिंह राशि वाले, अपने साथी से अलग रह रहे लोगों को जल्दी एकजुट होने की संभावना है और परिवार के साथ छुट्टियों पर जाने के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने की जरूरत होगी। कार्य क्षेत्र पर किसी की अनुपस्थिति के कारण काम का दबाव रहेगा, जिसके चलते अतिरिक्त काम करना भी पड़ सकता है। आर्थिक रूप से खुद को स्थिर बनाने के लिए समय निकालें और मेहनत करें। जरूरत से ज्यादा व्यायाम करने से बचें, वरना समस्या भी हो सकती है। आपके लिए उपाय है, आप विटामिन D3 की डाइट लें। कन्या राशि वाले,
कार्य क्षेत्र पर अच्छा मुनाफा कमाने के योग बन रहे हैं। युवा जोड़े एक दूसरे के साथ अच्छी समझ बनाने में सफल होंगे। अपनी बुद्धिमत्ता और आकर्षण से किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल होंगे। अतिरिक्त आय के चलते आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सफल होंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को एक अच्छी डील मिलने की संभावना है। इस सप्ताह सेहत के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपके लिए उपाय है, आप शनि मंदिर में नित्य प्रति दीपक जलाएं। तुला राशि वाले, तुला राशि के जातक अच्छा समय गुजारने की चाह रखने वाले लोग कहीं छुट्टियों पर जाने की योजना बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र पर कुछ चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति महसूस कर सकते हैं, इसलिए कम बोलें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुने। परिवार के सदस्यों की मांगों के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आप किसी का विश्वास जीतने में सफल होंगे और दूसरी प्राथमिकताओं के चलते प्रेम संबंधों को समय देना मुश्किल होगा और खुद को तरोताजा करने के लिए थोड़ा आराम जरूर करें। आपके लिए उपाय है, मंगलवार को बंदरों को चना और गुड़ खिलाएं। वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि के जातक कार्य क्षेत्र पर अपने सभी पुराने मुद्दों को हल करने में सफल होंगे और अच्छी आय के चलते किसी नए व्यापार को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। पारिवारिक मोर्चे पर आपके द्वारा की गई किसी की मदद के सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है और बीमार लोगों की सेहत में सुधार होने की संभावना है। किसी लंबी यात्रा पर जाना दिलचस्प लेकिन थका देने वाला साबित होगा। आपके लिए उपाय है, आप भैरों की उपासना करें। धनु राशि वाले, धनु राशि के जातकों को किसी मामले को लेकर असमंजसता महसूस कर सकते हैं और रिटेल का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए उधार देना रिस्की साबित हो सकता है। आप इस समय किसी की निजी समस्याओं का समाधान करने की मनोस्थिति में नहीं है, इसीलिए ज्यादा ना सोचें। जीवन साथी आपकी सेहत के प्रति चिंतित होकर आपसे नाराज भी हो सकता है और वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संबंधों में रोमांस लाएं। आपके लिए उपाय है, आप भगवान शिव पर दूध में मिश्री मिलाकर गंगा जल सहित चढ़ाएं। मकर राशि वाले, अपनी बातों से दूसरों को मनाने की अपनी कला के चलते विपक्षी पार्टी का भी दिल जीतने में सफल होंगे और कमाई में बढ़ोतरी के चलते आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है। घर पर कुछ चीजों को व्यवस्थित करने में अपना उत्पादक समय बर्बाद भी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह रोमांच भरा साबित होगा। अपने साथी के साथ समय बिताकर अच्छा महसूस करेंगे। दोस्त आपको एक लंबी ड्राइव या अपने घर स्टे करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। आपके लिए उपाय है, यात्रा करने से पहले मीठा दही खाकर घर से निकलें। कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि के जातक आपके पेशेवर उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना कि कुशल कर्मियों को खोजना। ग्राहकों के मुंह से मिली प्रशंसा और पब्लिसिटी के चलते रिटेलर्स को लाभ होगा। किसी समारोह में हिस्सा लेना लंबे प्रेम प्रसंग की शुरुआत साबित होगा। किसी मामले पर इस सप्ताह कोई आपसे आपकी राय भी जान सकता है। आरामदायक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो दूसरों के साथ वाहन साझा ना करें। आपके लिए उपाय है, भगवान शिव पर शमी पत्र चढ़ाएं। मीन राशि वाले, मीन राशि के जातकों को प्रोफेशनल्स अपने अपने फील्ड में व्यस्त रह सकते हैं। सोच समझकर किए गए निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। इस सप्ताह कोई आपकी तरफ आकर्षित भी हो सकता है। प्रेम संबंधों की शुरुआत के योग बन रहे हैं। किसी दूर स्थान पर यात्रा पर जाना आरामदायक और शिक्षाप्रद साबित होगा।
अच्छी सेहत के लिए अनुशासित जीवन जीने की आदत डालें और जीवन साथी के मनमौजी स्वभाव के चलते आप परेशान भी हो सकते हैं। अपनी समृद्धि का अपने अधीनस्थों को भी आनंद उठाने दें। आपके लिए उपाय है, आप हल्दी की गांठ अपनी जेब में हमेशा रखें। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे नए भविष्यवाणी के एपिसोड के साथ। नमस्कार।